जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आप सभी का एसएससी 10 प्लस 2 का जिस तरीके से एग्जाम चल रहा है, अभी तक आपका जो एग्जाम है 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई, यानी कि आपके 4 डेज में जो एग्जाम हुए, लगभग आपकी 12 शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा जो चीजें हमारे पास क्वेश्चन भेजे गए, टॉपिक्स भेजे गए हैं, तो उसको लेकर डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि ये पढ़ लो, अब समझ लो क्या है लिखा हमने, देखिए अब ये पढ़ लो, अब फोड़ दोगे एग्जाम। ठीक है, क्या है कि आप लोग यदि एसएससी दे रहे हैं, ठीक है, या सीसीएल का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट में आपका एमटीएस एग्जाम लगा हुआ है। ठीक, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे कमेंट्स में किए कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप किया, टेलीग्राम मैसेज किए, वहां के माध्यम से पता गया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह कि आप लोग यदि नए चौथे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, और देखिए मैं टॉपिक भी डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसका इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपको निःशुल्क रहेगा, कोई भी फीस या पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपका एक काम, शिफ्ट में एग्जाम हुए, पहले हम बात करेंगे जीएस और जीके की, जो आप लोगों को सबसे कठिन लग रही है। कठिन क्यों लग रही है, कि इसमें इस बार ना हिस्ट्री या ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना पॉलिटी ना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चा लोग क्या है, आप लोगों को जो जीएस जीके से जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है वो इंपॉर्टेंट समिति से पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट समिति मतलब जैसे G20, G7 क्या है, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से पूछा जा रहा है, और बुक और ऑथर से जैसे किताब से क्वेश्चन पूछा, मैंने कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज भेजे, मैं उससे पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। जैसे पूछा जाएगा क्या, भीमसेन जोशी, ठीक है, ये क्वेश्चन आप में आया था, भीमसेन जोशी कौन था, ठीक, इस तरीके से एक आया था आपको, फिनिश्ड बुक किसकी है, फिनिश्ड बुक, ठीक है, अनफिनिश्ड बुक किसकी है, एक ये किताब पूछी गई है। ठीक है, स्टेट सीएम और गवर्नर पूछा जा रहा है, जैसे कर्नाटक का सीएम पूछा जा चुका, झारखंड के पूछे जा चुके, केरल का पूछा, हो सकता है अभी उत्तराखंड के पूछ दिया, यूपी का भी पूछ दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जाएगा, राज्यपाल का जो कार्यकाल है, ये भी काफी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, देखो फोल्क ऑफ डांस से पूछा जा रहा है, ठीक है, जैसे फोल्क ऑफ डांस, ये क्वेश्चन बच्चे ने मेरे पास भेजा, देखो बता दे रहे डांस कहां से पूछा जाएगा, इसमें देखो पूछा था क्या, बता रहे हाँ, सविता मेहता कौन से डांस संबंधित है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, सविता मेहता कौन से डांस से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया, जैसे अपना चीजें पूछी जा रही है, अवार्ड नोबेल प्राइज ये पूछा जा रहा है, जो कि 2021 से पूछे जा रहे हैं। ठीक, ओलंपिक गेम्स जो है, अभी ओलंपिक जो पिछला हुआ उसका, और जो आने वाले अब कहां, किस मतलब जो अभी ओलंपिक कहां होंगे, ठीक है, कौन से कंट्री में होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, ये होगा। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट डेज, ठीक, इंपॉर्टेंट डेज में भी पूछा जा सका, पूछा जाएगा 21 जून कब क्या मनाया जाता है, एनवायरमेंट डेज, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, ठीक, नेशनल पार्क से एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट, जैसे अभी न्यू अपॉइंटमेंट एयरफोर्स में हुए हैं, ठीक है, अभी पूछा जाएगा आर्मी में आके कौन चीफ है, ठीक है, नेवी के कौन चीफ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्या पूछा जाता है, पीरियोडिक टेबल से और केमिकल नेम से, जैसे पूछ दिया जाएगा नमक का फार्मूला बता दीजिए, ठीक है, सल्फर क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, इस तरीके से। फिजिक्स से एक पीएच वैल्यू पूछी जा रही, पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखो आप क्या बता रहे, एक स्ट्रेटजी और बता रहे कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन बनने के चांस है, और क्योंकि अब इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, ये आपका आ रहा क्या जीके से, तो इन टॉपिक से आपको पढ़ लेना है, और ये मैं टॉपिक्स आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक, जो बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए हैं। अब बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग से देखो बच्चा कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में सिलोजियम से, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में पूछा गया। ठीक, मैथमेटिकल से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्टों में, एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज से भी एक दो क्वेश्चन आपको हर उसमें मिले, डाइस का एक बच्चा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नंबर पजल का, नंबर पजल में किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कैलकुलेशन का भी यही है कि दो क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहे हैं। एनोलॉजी से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, मिसिंग नंबर से बच्चा दो क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना मिसिंग नंबर से, ये टॉपिक ध्यान रखना, मिसिंग नंबर से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एज प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन आ रहा है,
और फिगर काउंटिंग से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये रीजनिंग से है, ठीक है। अब बात करेंगे मैथ की, तो मैथ से देखो कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, याद ध्यान रखना, जो मैथ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीआईएसआई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, एवरेज से, ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, अल्जेब्रा से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैथ में ज्यादा, और दूसरी बात मैथ ज्यादा टफ नहीं आ रही है, ठीक है, लेवल का अच्छा आ रहा है, मैथ का ज्यादा टफ नहीं आ रहा, सिर्फ जीएस क्या है, पिछली जो जीएस होती थी वो पैटर्न देख लीजिए जहाँ प्रीवियस ईयर, अब जो पैटर्न है वो स्टैटिक जीके टाइप से आ रहे, फोल्ड और डांस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे दिए जा रहे हैं, कौन गवर्नर है, कौन सीएम है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहली बात, बच्चा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी आपकी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपका 2 पूछा जा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जा रहा है, टाइम ट्रेन से भी क्वेश्चन एक आ रहा है, ठीक है, डाटा इंटरवल डीआई से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हर शिफ्ट में पूछा गया है, डीआई में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीआई का ध्यान रखिएगा, 3 नंबर का डीआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आ रहा है, और ज्योमेट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो मैथ की बात कर देता हूं, जो जो मैथ का पहले पेपर होता था वो क्या करते थे कि इन्होंने 2020 की बात की जाए या 2020 में जो पेपर हुआ था आप लोगों का, ठीक है, सीएसएल का, उसकी बात बता रहा हूं मैं, तो उसमें क्या हुआ था, जो मैथ के जो क्वेश्चन होते थे, एलजेब्रा हो गया तुम्हारा, ठीक है, सीआईएसआई हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गई, ठीक है, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, यहां से ज्यादा क्वेश्चन, अर्थमेटिक पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन, इस बार इन्होंने ज्योग्राफी, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री किसी किसी शिफ्ट में दे भी रहे हैं, किसी शिफ्ट में नहीं भी दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग देखते रहिएगा और मैं सारे आपको चीजें बताऊंगा। इसके बाद इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आ रही, प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग से ही आ रही, लेकिन हम आपको टॉपिक बता दे रहे हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, जो आपके अभी 4 डेज में जो एग्जाम हुआ है, ठीक। अब बात करेंगे देखो इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए क्या पूछा गया है, पहली बात देखिए इंग्लिश की जो तैयारी जो बच्चा कर रहे हैं ना उनको ज्यादा वो नहीं करना, इंग्लिश प्रीवियस ईयर ज्यादा पे ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं एक चीज बता रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा जिनका अभी एमटीएस एसएससी का एमटीएस एग्जाम लगा वो थोड़ा सीरियस हो जाएं, क्योंकि पेपर का लेवल जैसे इन्होंने अभी क्या किया कि जो अभी आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ वहां से काफी क्वेश्चंस उठा लिए, ठीक है। तो टीसीएस कुछ भी कर सकती है, एग्जाम का पैटर्न एकदम बदल देता है, और जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो कुछ बैंकिंग का पैटर्न कर दिया था। तो आप इस तरीके से पढ़िए कि आप लोगों का सिलेक्शन थोड़ा पॉसिबल हो जाए, और इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ठीक। अब देखिए इंग्लिश से, तो इंग्लिश से जो आप लोगों को है वो स्पेलिंग एरर से आ रहा है, जो जो कि आपके 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इडियम फ्रेजेस से 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, वोकैबुलरी से 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वोकैबुलरी के लिए आप अपना न्यूज़पेपर बढ़िया से पढ़िएगा, कोई भी एडिटोरियल देखिएगा, जो भी आप वहीं से बुक है पूछा जा रहा है जो एडिटोरियल टाइप करना है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फिलिंदा स्पोर्टिंग ईरर से 2-3 क्वेश्चन मिल रही है, ठीक है, और फिलिंदा ब्लैंक्स, तो फिलिंदा ब्लैंक्स में आ रहा है, तो वो उसमें ज्यादातर आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, ठीक है, द एन इन, ठीक है, फ्रॉम, ये आर्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल अपना थोड़ा अच्छा कर लीजिए। और बेटा यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, फिलिंदा ब्लैंक से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हॉर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक। क्लोज टेस्ट है, जो 2 क्वेश्चन पूछा रहा है क्लोज टेस्ट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और ये आपका प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग है, सारी चीजें देखने के बाद बाकी कोई अच्छी सी बुक है उससे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस ऑफ रीअरेंज, ठीक है, सेंटेंस ऑफ रीअरेंज हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया है कौन कौन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कुछ बच्चों ने जो मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं उनका भी हम बता दे रहा हूं, जैसे आप लोगों को पास एक वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया गया है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इसके बाद आप लोगों के लिए वोल्ट की होती है, ठीक है, SLR का फुल फॉर्म भी पूछ दिया गया, बच्चा ध्यान रखना, ये याद रखना, SLR का फुल पूछ दिया गया, ठीक है। और यूपीएससी में कौन से आर्टिकल में MH पार्ट है, ठीक, ये एक तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बिरजू महाराज के गुरु कौन, ये क्वेश्चन ये पूछा गया, कुछ स्पेलिंग जो बच्चा ने है, पांडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया जो क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तमिलनाडु का कौन सा प्रमुख त्योहार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं जो मैं आपको डिस्कस किए दे रहा हूं, ज्यादातर बहुत से बच्चे जो
बच्चे कुछ कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो जैसे 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स सीरियस से पूछे गए, इस तरीके से पूछ रहे, बहुत सारे मैसेज हैं, तो मैं पढ़ाना थोड़ा पॉसिबल नहीं समझता। मैंने टॉपिक्स आप लोगों के लिए इसीलिए बता दिया है, टॉपिक से जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का या पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का, इस तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चा लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और दबा के शेयर करिएगा, दबा के सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।